प्रिय लोगों, आज के दिन आपसे मिलना ही परमेश्वर का अनुग्रह है। आप सभी लोगों को मेरा प्रेम भरा बधाई। अब तक हमें चलाने वाला परमेश्वर आज भी आपको और मुझे चलाने वाला है। आपकी कोशिशें या मेरी खुद की कोशिशें, मेरा ज्ञान, धन, दौलत या कुछ भी किसी काम के लिए नहीं होगा। वही हमें चला सकता है। ओके, आप कहिए, हे प्रभु, तू मुझे और मेरे परिवार के सभी लोगों को तू चलाने वाला है, इसलिए तेरी स्तुति हो। एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद दे दीजिए। ओके, आज का वचन हम सुनने वाले हैं। सिर्फ सुनना ही नहीं, परमेश्वर के लोगों, उसे अपने भीतर मन में लेकर विश्वास करके अंगीकार कीजिए। वही नहीं, दूसरों को जरूर इसे शेयर करिए, बांटिए, और वे भी आपकी तरह खुश होकर परमेश्वर की आशीषों को पाएं और बहुत ही प्रयोजन का पात्र बनकर रहें। यही जरूरी है। ओके, परमेश्वर का वचन मालूम है क्या है? प्रेरितों के काम 5:24। उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि यह क्या हुआ चाहता है, यह क्या होने वाला है। प्रेरित जो है बहुत ही भारी रूप से डर गए। देखिए यहां पे चीज क्या है, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने वाले सेवक प्रेरित को जाके जेल में बंद किया। पर 19 में देखें तो रात को प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार को खोलकर बाहर लाकर कहा और लोगों को ऐसा जाकर उन्होंने कहा और भेज दिया उन्हें कि जाकर लोगों को कहो जिन अधिकारियों ने इनको कैद करके बंदीगृह में रखा वे डर गए क्या होने वाला है। अभी जाकर परमेश्वर के मंदिर में जाके प्रचार कर रहे हैं, वही यहां पर कहा गया है। पता नहीं ये क्या होने वाला है। प्रेरितों को लेकर वे बहुत ही भारी रूप से डर गए। इसका कारण क्या हो सकता है? परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ है ना। एक बात बताता हूं, आज शैतान आपको डरा रहा होगा, आपको उलझन में डाल रहा होगा, बहुत सारी चीजों को लेकर आप आंसू बहा रहे होंगे, ऐसा हृदय आपके पास है, तो मैं कहता हूं ये आपकी जिंदगी का आखिरी भाग नहीं है। शत्रु को आप रुलाने वाले हो, क्योंकि आपने जो अभिषेक पाया है वो उससे पाया है जो आपके ऊपर, उसे भूल मत जाइए। ओके, अभी आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के बल के द्वारा भरिए अपने आप को। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला, अपने हाथ उठाकर मुझे सामर्थ देने वाले मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेरित पौलुस ने ऐसा कहकर 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 पूरी तरह से वह जय प्राप्त करता रहा। अभी मेरे साथ मिलकर जितने परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, भाई बहनों को सामर्थ से भरपूर कर, उस दिन प्रेरितों के निमित्त, हे प्रभु, अन्य जाति लोगों के बीच में परमेश्वर के विरोध में जितने लोग थे वो सब जैसे डर गए, उसी तरह तेरे बच्चों के विरोध में इनके एक्टिविटीज को देखकर, परमेश्वर इनके अंदर काम कर रहा है उसे देखकर लोग डर जाएं। परमेश्वर का नाम तेरे बच्चों के द्वारे महिमा हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रेज गॉड। परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, इसलिए किसी भी सिचुएशन को देखकर आप मत डरो। उसी जगह में परमेश्वर आपकी चिंताओं को खुशियों से भरपूर कर देगा। परमेश्वर की स्तुति हो। वापिस मिलेंगे। आपकी प्रार्थना की विनतियां जो कुछ भी है आप जरूर मुझे बताएं। अक्सर मैं कहता हूं इंग्लिश में, तमिल में, कन्नड़ा में, हिंदी में, आप अपने प्रार्थनाएं हमें जरूर भेजें, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।